बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शायान मैथमेटिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिख ली है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ में राइट कर लिया है। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यूज़ लिख ली है, जो कि वैल्यूज़ ये है 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, लॉगरिथम हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसका मैं मेथड आप लोगों को इजी फॉर्म में बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सॉल्यूशन राइट करना है। वी नो सॉल्यूशन के बाद एज इट इज़ ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगी, लेकिन हमने सपोज करना है, हमने एक्स को या वाई को सपोज कर लेना है। तो यहाँ पर मैं वाई राइट करूँगी। वाई इज़ इक्वल टू, ये वैल्यूज़ हमने वाई को इक्वल करनी है। y इज़ इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने इसको लॉगरिथम ले लेना है, ठीक है। लॉग के साथ हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो लॉगरिथम तो हमने फाइंड आउट करना था, लेकिन यहाँ पे हमने अप्लाई भी लॉगरिथम करना है बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिखूँगी log y, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने लॉगरिथम को मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ पे भी मैंने लॉगरिथम को बोथ साइड मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने राइट कर लिया, ये लॉगरिथम log 0.81, ठीक है, 76 मल्टीप्लाई बाय। तो यहाँ पे हमने इसको एक ही बार लगाना है और यहाँ पे हमने ब्रैकेट टाइप डाल देनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने, यहाँ पे जस्ट हमारे पास वाई था, तो हमने वाई के साथ लॉगरिथम को मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ पे लॉग एन टू मल्टीप्लाई बाय 0.81 एंड 76 मल्टीप्लाइड बाय 13.64, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या फोकस करना है कि हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब मल्टीप्लाई का मैंने मेथड आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हमने प्लस माइनस में देखना है। फार्मूले के मुताबिक जो मल्टीप्लाई हो रहा हो वो प्लस में ही ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड लिखेंगे, तो लॉगरिथम हमने यहाँ पे log y एज इट इज़ लिख देना है एंड यहाँ पे log n टू 0.8176 मल्टीप्लाई में हमने प्लस को ऐड कर देना है, ठीक है। प्लस तो यहाँ पे 13.64, यहाँ तक क्लियर है हमारा, ठीक है। अब ये क्लियर है। अब मैंने ना लॉग को अगेन इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ब्रैकेट को ख़त्म करके लॉग को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं एज इट इज़ लिखूँगी लॉगरिथम, ठीक है। तो लॉग वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी लॉगरिथम 0.8176, ठीक है। एंड प्लस लिख के मैं यहाँ पे लॉग लिखूंगी लॉगरिथम 13.64, ठीक है। अब हमारे पास ये लॉगरिथम की टेबल होती है, लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम। लास्ट पे हमने इसको फोकस करना होता है। ये हमारी बुक के लास्ट पेज पे इनकी एक टेबल बनी हुई है और वहाँ पे लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम की वैल्यूज़ पुट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लॉगरिथम 0.8176 की जो वैल्यूज़ होगी वो कौन सी आएगी, क्योंकि हमने लॉग को मल्टीप्लाई करना है इन वैल्यूज़ के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, लॉग ये एज इट इज़, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखना है लॉग 0.8176 का जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1, ठीक है। 1.9125, ये आंसर इसका आ रहा है 8176 का। एंड यहाँ पे मैं प्लस का साइन राइट करूँगी। प्लस का साइन राइट करने के बाद लॉगरिथम 13.64 का हमारे पास आंसर आएगा 1.1348। तो यहाँ तक हमारी जो बात है क्लियर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे इसका आंसर कैसे वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे मैंने एक बार टाइप लगा देनी है, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे मैंने लगा दी है, तो इसको हमने माइनस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे लॉग वाई एज इट इज़ आएगा, ठीक है। लॉग वाई एज इट इज़ इक्वल टू, इसके ऊपर लाइन है तो लाइन का मतलब ये है कि माइनस वन है, ठीक है। माइनस वन एंड प्लस, यहाँ पे अब मैंने लगाना है प्लस, ठीक है।
तो यहाँ पे प्लस माइनस हमने एज इट इज़ लिख दिया, एंड पॉइंट के आगे हमने क्या लिखा, प्लस का साइन, एंड 91.25 प्लस 1, ठीक है, 0.1348, ये एज इट इज़ हमारे पास वैसे वैल्यूज़ है। यहाँ पे हमने प्लस माइनस का साइन चेक करना है, तो इसको हमने प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस लेने के बाद यहाँ पे हमने दोनों तरफ एंटी लॉक से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब जो पॉइंट्स आएगा इनको प्लस माइनस करने के बाद, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा आएगा, तो एंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है लॉग, ठीक है, लॉग y इज इक्वल टू, उनको प्लस जब माइनस किया हमने तो हमारे पास एक आंसर आया कि 1.0473, ठीक है, 1.0473, ये हमारे पास लॉग का y का आंसर है। इसको हमने एंटी लॉग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंटी लॉग में कन्वर्ट करने के बाद ये वैल्यूज़ देखेंगे कि इसका क्या आंसर आएगा। तो दोनों तरफ हमने इसको एंटी लॉग में ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने एंटी लॉग अप्लाई किया, एंटी लॉग अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो करेक्ट आंसर आया y इज इक्वल टू 11.15, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले हमने लॉग फाइंड किया, लॉग के बाद हमने उसको एंटी लॉग फाइंड किया, तो एंटी लॉग में हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास किसके इक्वल हो, y इज इक्वल टू 11.15, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।